सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आज हम हैं अमृतसर में। तो अभी हम रूम से कर रहे हैं चेकआउट। यहाँ पे पीछे हमने रूम ले रखे थे, अभी जा रहे पार्किंग में, फिर उसके बाद जाएंगे बाहर घूमने। तो पूरा ब्लॉग देखते रहना, पूरा अमृतसर दिखाऊंगा आज आपको। तो गाइज, निकल चुके हैं हम अमृतसर की गलियों में, अभी जा रहे हैं पार्किंग की ओर अपने सामान रखने के लिए, फिर उसके बाद जाएंगे दर्शन करने। सो ये है गाइज अमृतसर पंजाब की गलियाँ, जो देखो पूरी ऐसे गुरुद्वारे बने हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं पार्किंग की और चाय वाय पी ली थी हमने गुड़वाली यहाँ की पंजाब की, बाकी सब। तो गाइस ये देखो, ये है पूरी अमृतसर की मेन मार्केट, वो हो रहे वहाँ जाना है अभी हमने। और ये देखो पूरी मार्केट क्या सही लुक आ रहा है, कितनी अच्छी बना रखी है पूरी पंजाब की मार्केट। खाने पीने के लिए तो फेमस ही होगी। ये देखो ये सामने वाला बाग, ये देखो मैकडॉनल्ड वगैरह सब है, पूरी मेन मार्केट कितनी सुंदर लुक आ रही है यार। सो ये रहा गाइस गोल्डन टेंपल, अंदर जा रहे हैं अभी हम, यहाँ पे शूज वगैरह रखेंगे फिर अंदर जाएंगे। सो गाइस पार्किंग से आए थे, अभी धीरे धीरे मार्केट से निकल के हम पहुँच रहे हैं गोल्डन टेंपल, सामने ही हमारे, अभी आपको आगे जाके दिखाऊंगा। अभी मार्केट देखो पूरी, इतनी गर्मी इतनी धूप हो रखी है यहाँ पे, आँखें तक नहीं खुल पा रही हमारी, इतनी धूप है और गर्मी हो रही है, पूरे पसीने पसीने हो रखे हैं हम। अभी आगे जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल में, आपको दिखाता हूँ अंदर से। सो गाइस सर पर चलने का बांध लिया, अभी ले रहा मैं एंट्री अंदर, वीडियो अलाउड नहीं होगी तो नहीं बनाएंगे। सामने है गोल्डन टेम्पल, जो बोले सोने आसा सया का। ये देखो पूरा गोल्डन टेम्पल है। अभी जा रहे हैं सरोवर में, चाचा खुश और लव गए हैं, फिर मैं जाता हूँ। एक बार ये हो देखो गोल्डन टेम्पल। तो भाई जी मैं यहाँ पे दर्शन कर लो सारे। तो यहाँ पे इनके इसके बारे में लिखा हुआ है, आप पूरा पढ़ सकते हो, ये रहा इसे पढ़ना पढ़ लो, मुझे इतना पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आप पर सॉरी लिख लीजिए। जैसे पंजाबी में पढ़ना हो उसके लिए पंजाबी में, और जिसने हिंदी में पढ़ना हो उसके लिए हिंदी में। तो गाइस हम सब ने प्रसाद ले लिया, अभी यहाँ पे जा रहे हैं, पीछे से लिया प्रसाद और अपने गोल्डन टेम्पल, तो प्रसाद अभी यहाँ पे देते हैं, फिर चलते हैं। तो गाइस प्रसाद भी चढ़ा दिया, अभी आए हम यहाँ पे, और लाइन देखो आप कितनी लंबी है। अभी ये बार बार किया, अंदर पूरी सीधा जा रही है लाइन, बहुत लंबी लाइन है। तो गाइस अंदर से हुए थे, बहुत भीड़ है, बहुत लंबी लाइन है, अभी दिखाता हूँ आपको, एक ज़्यादा लंबी लाइन है अंदर, वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, तो हमने बनाई भी नहीं, हम रूल्स का ध्यान रखेंगे। बाहर भी नहीं है वैसे इतना, तो थोड़ा बहुत ब्लॉक कर सकता हूँ मैं बाहर, मैंने परमिशन ले लिया, पूछ लिया था, बट अंदर अलाउड नहीं है, तो इसलिए हमने अंदर कुछ भी शूट किया, बाहर आ चुके हैं, अब जाके हम बाहर दर्शन कर लिए हमने। चलो अब यहाँ से चलते हैं। अभी हम ऐसे पूरा यहाँ वहाँ से हैं यहाँ तक पूरा लगा रहे हैं, देखो राउंड जो होता है। सो गाइस अभी आ चुके हम बाहर, पूरी धूप हो रही है, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, शूज पहनते हैं। अब हम जाएंगे मार्केट में कुछ खाने, सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया, कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद मार्केट घूमेंगे और देखेंगे क्या लेना है, क्या नहीं, प्रसाद वगैरह भी लेंगे। चलो चल रहे हैं, अभी शूज़ पहनते हैं। तो भाई यहाँ पे प्राचीन मंदिर शनिदेव जी का दर्शन करना, आप लोग अंदर अभी हम जाने गए, दो लोग गए हैं, बाकी बाहर खड़े हैं। फेमस अमृतसर कुल्चा खाने, जो कि हमें गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास में ही है, शनि मंदिर के थोड़ा आगे, यहाँ पे कुल्चा खाएंगे और देखते हैं टेस्ट कैसे है। सो गाइस यहाँ हमारे अमृतसरी कुल्चे, ये देखो और ये शॉप जो है 70 ईयर्स ओल्ड है और इतने टेस्टी होंगे, अभी मैं देख के पता लग रहा है कितने टेस्टी, अभी खाते हैं इसे फिर बताएंगे आपको पूरा रिव्यू। सो गाइस अब आ चुके हमारी पंजाबी लस्सी, ये देखो गिलास, भाई साहब खिंचा मारो खिंचा। तो गाइस खा पी के सेट हो गए, ये शॉप इतनी फेमस शॉप है, 70 साल पुरानी, बहुत मस्त टेस्ट था, इतना पेट ऊपर तक भरा दिया ना भैया ने,
अब चलते हैं थोड़ा यहाँ से और शॉपिंग करते हैं। ये तीन चार चीजें लिए हैं यहाँ से, ये हो गए इयररिंग्स, दो इयररिंग्स है, दो पड़े हैं आगे पड़े 240 में यहाँ भैया से। सो गाइस अभी हम देखने जा रहे हैं एयर गन, लव को चाहिए थी तो अभी शॉप पे है, ये पीछे इन पे एयर गन वगैरह है तो वो पूछ रहे हैं। देखो अच्छा पूरे लोड नीचे को। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग, तो यहाँ से हमने लिया एंट्री, ये देखो एंट्रेंस पे ही बना हुआ है सर। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे अंदर, तो अंदर से दिखाता हूँ आपको, म्यूजियम बना हुआ है। प्रोजेक्टर लगा हुआ है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है। अब और देख के चले गए ना, आगे को देखो इधर हां ये देखो। पंजाब के लोगों ने पूरे जोश नाल रॉलेट सत्याग्रह में हिस्सा लिया। तो अभी म्यूजियम से होके आए हैं हम लोग, अभी हम आगे की साइड जा रहे हैं, पूरा आगे की साइड का मैं अभी आपको पूरा आगे आगे दिखाऊंगा, पूरा देखना जलियांवाला बाग क्या हुआ था, मैं आपको स्टोरी बताऊंगी, नहीं पता तो आप यूट्यूब पे सर्च मार के देख सकते हो, बाकी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरा नीचे कुआ बना हुआ है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा ऐसे, यहाँ पे बंद कर दिया, पहले की साइड जब मैं आया था तब ओपन था, मतलब पूरा बंद कर दिया इसको। ऐसे भी चलते चलते हम आए यहाँ पे, देखो गाइस वो देखो वाइट वाले, ये है यहाँ के गोलियों के निशान, या गोलियाँ चली थी, ये सब निशान है उसके। इसी तरह देखो इधर एनिमे कलेक्शन है, 800 एनिमे लवर्स के लिए है पूरा, यहाँ पे पूरा एनिमे कलेक्शन मिल गया। क्या आप खाओ मैं तो भाई, यहाँ से हमारे पंजाबी रबड़ी पूरी आ गई भाई, ठंडी ठंडी रबड़ी, ठंडी ठंडी रबड़ी आप खाते हैं, पूछ रहे हैं तो बड़ी वाली अच्छी लग रही है, बाकी ऐसे ऐसे लोड करो उधर क्या लोड करना भाई, करो करो पहले करो ये लोड देख ले गन चला के देख रहे हैं लाइटर, दोनों सही लग रहा है यहाँ पे, और सामने भी गन सी गन, बाकी जो आप ले रहे हो वो सब ले लिए 4500 की दो भैया से ऑथराइज बिल के साथ लाइसेंस के साथ मिलेगी, 4500 में दो मिलेगी, 50 रहेगी 100 रुपए की 500 की। सो ये ऐसे कुछ लाइटर है, इसको छोड़ लेना, गन हो चुकी है भैया, इनसे हमने लिया, तो इनकी शॉप ऑथराइज है, बिल्कुल गवर्नमेंट बिल के साथ मिलेगी आपको, तो आप आओ भैया से लो, तो प्राइस भी सही है इनकी, रीजनेबल प्राइस है, और ये सारी गन से उनके पास सब कुछ अवेलेबल है।
सो गाइस गाड़ी में बैठी है अभी जा रहे हैं बाघा बॉर्डर। तो बाघा बॉर्डर का आपको सीन दिखाऊंगा पूरा। थक गए हैं सारे बैठे हुए आगे, तो गन वगैरह सब ले लिए हमने, बातें हैं चलते हैं। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं बाघा बॉर्डर, लाइन में लगे हैं, बहुत लंबी लाइन है, देखो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। अभी हमें अंदर जाना भी खुला भी नहीं है, तो चलते हैं। सो गाइस भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है, गर्मी हो रही है, हमसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा। 4-5 बजे तक होगा शुरू, तो अभी हम जा रहे हैं। तो अभी पता नहीं कुछ प्लान बनता है कि नहीं, क्योंकि कोई प्लान नहीं है भाई, इतनी देर तक गर्मी में किसी से खड़ा नहीं हुआ जाएगा।